आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। सिलसिला बाजारों का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिलसिला बाजारों में बात करेंगे एग्री कॉमोडिटीज की और इस पे हमारे एक्सपर्ट रूपा मेहता जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। बात करते हैं एग्री कॉमोडिटीज में कैस्टर सीड से। 7,146 पर लगभग ये ट्रेड करता दिखा है। कैस्टर सीड में आज गिरावट देखने को मिल रही है, तो रूपा जी आपको क्या लगता है कैस्टर सीड का बाजार आगे कैसा रहेगा? देखिए, कैस्टर सीड की बात करें तो कैस्टर सीड में मैंने पहले ही बताया था कि प्रेशर है और लगातार दबाव जो है वो देखने को मिल सकता है। ऑलमोस्ट हमारे टारगेट के बेहद करीब है। 7,100 से 7,000 का हमने टारगेट दिया था, वो अब अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि आज ही लेवल्स अचीवेबल है और प्रेशर है, लगातार ये कॉन्ट्रीब्यूशन में दबाव बना रह सकता है। कॉटन सीड ऑयल के की बात करें तो ये भी 2,522 पर लगभग ट्रेड करता दिखा है, इसमें भी गिरावट रही है, तो आपको क्या लगता है कॉटन सीड ऑयल केक में क्या करके चला जा सकता है? देखिए, इसमें भी टारगेट अचीव हुआ है, 2,500 के आसपास का हमने टारगेट दिया था और इनफैक्ट उसके नीचे लुढ़का है मार्केट, तो ये भी अब यहाँ पर अगर देखें काफी करेक्शन आ चुका है और आज भी करेक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि अगस्त वायदा तो फिलहाल 2,500 के नीचे ही क्लोज होता दिखाई देगा। वहीं सितंबर वायदा की बात करें तो वो भी नीचे में 2,460 से 2,440 के आसपास एक बार सपोर्ट ले सकता है, यानी करंट लेवल से 50 से 100 रुपए की गिरावट और बनती हुई दिखाई दे सकती है। अच्छी करेक्शन है और अभी जिन्होंने ऊपरी स्तरों पर बिकवाली की थी वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और हमें लगता है कि थोड़ा बहुत प्रेशर अभी और बनता हुआ दिखाई दे सकता है। रूपा जी, ग्वार गम ग्वार सीड की बात करें तो इन दोनों कमोडिटीज में भी आज गिरावट देखने को मिली है, तो आपको क्या लगता है कि ग्वार सीड और ग्वार गम में क्या करके चला जा सकता है? देखिए, ग्वार सीड और ग्वार गम की अगर बात करें तो दोनों में ही प्रेशर है और ये प्रेशर अब और बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है जिस तरीके के लेवल देखने को मिल रहे हैं। सीड 4800 के आसपास आती हुई दिखाई दे सकती है और 4800 का नीचे का अगर लेवल तोड़ देती है तो और ज्यादा गिरावट आ सकती है। गम में 9000 के नीचे लुढ़क चुका है, 9000 के आसपास सपोर्ट था लेकिन उसको भी आज ब्रेक करती हुई मार्केट दिखाई दी है, तो मुझे लगता है कि आज 8800 तक अगस्त वायदा लुढ़क सकता है। इनफैक्ट अगस्त वायदा में इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं है लेकिन सितंबर वायदा भी नीचे में 9000 के नीचे लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है और इनफैक्ट 8800 का स्तर अभी फिलहाल बनता हुआ दिखाई दे सकता है। रूपा जी, मसालों की बात करें तो मसालों में भी आज गिरावट देखने को मिल रही है। बता दें, धनिया 11,780 पर ट्रेड करता दिखा है, जीरा भी 23,850 और हल्दी की बात करें तो वो 7,522 पर लगभग ट्रेड करता दिखा है। तीनों ही कॉमोडिटीज में गिरावट देखने को मिली है, तो क्या लगता है कि मसाले का बाजार कैसा रह सकता है? देखिए, मसालों में अभी करेक्शन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और जो टारगेट्स थे वो भी अचीव हुए हैं। जीरा ऑलरेडी हम 24,000 के ऊपर इसको जाते हुए देख चुके हैं, सितंबर वायदा 24,500 तक लग चुका है, अब यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए क्योंकि ओवरऑल मसालों के अंदर दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। धनिया में जहाँ एक्सपेक्टेड था वो तेजी फिलहाल नहीं बनी है और अब यहाँ से करेक्शन में मार्केट आता हुआ दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि ये करेक्शन थोड़ा बहुत और बढ़ सकती है, 11,400 तक धनिया लुढ़क सकता है। ओवरऑल देखिए, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, कोई बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है लेकिन हाँ, एक बार सारा मार्केट आज करेक्शन में है तो उसके चलते थोड़ा सा गिरावट बढ़ सकती है लेकिन जो प्रॉफिट में है उनको एक बार अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना चाहिए, चाहे वो धनिया हो या फिर जीरा। हल्दी में गिरावट है और हल्दी इनफैक्ट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेवल्स काफी अच्छे लग रहे हैं बाइंग के लिए, तो हल्दी में यहाँ पर बाइंग की पोजिशन बनाई जा सकती है। रूपा जी, रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था कई चीजों पे, लेकिन अब कुछ समझौतों की वजह से ये प्रतिबंध हटा दिया गया, तो आपको क्या लगता है कि प्रतिबंध हटाने के बाद कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, थोड़ा बहुत बाजार जो है वो पॉजिटिव जाता हुआ दिखाई दे सकता है, अगर एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप होते हैं तो मार्केट में एक तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे सकता है और बाजार जो है वो तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जिन भी कमोडिटीज की एक्सपोर्ट डिमांड निकलेगी उनकी प्राइसेस जो है वो ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकती है। रूपा जी, अगर खाद्य तेल की बात करें तो मूंगफली तेल छोड़कर सभी तेलों में गिरावट जारी है, तो आपको क्या लगता है खाद्य तेल का बाजार कुछ आगे उठेगा? ये मैंने पहले भी इसी चैनल के माध्यम से बताया था कि खाद्य तेलों में फिलहाल गिरावट का ही रुझान है और ये गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, इसमें बिकवाली की तरफ रहना चाहिए, बाइंग नहीं करनी चाहिए और अभी भी मुझे लगता है कि ये गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है तो फिलहाल के लिए प्रेशर बना रह सकता है। रूपा जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल एक ये रहेगा कि देश में उत्पादन में कमी की आशंका और अधिक मांग के कारण 30% तक चावल की कीमतें बढ़ी हैं, तो आपका क्या कुछ कहना है? जो एक्सपोर्ट डिमांड अभी निकलती हुई दिखाई दी है, जो एक्सपोर्ट्स के सौदे हो रहे हैं उसके चलते अभी थोड़ा सा बाजार जो है वो पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है और आगे चलकर माना जा रहा है कि तेजी बनी रह सकती है, अगर निर्यात मांग निकलती है तो बाजार जो है वो तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे सकते हैं।
रूपा जी, इंट्राडे में एग्री कॉमोडिटीज में कौन से ऐसी कॉमोडिटीज रह सकती है जिसमें आगे मुनाफा कमा के चला जा सकता है? कैस्टर में मुझे लगता है कि अभी भी 100 पॉइंट के लिए भी क्वाली करके चला जा सकता है। रूपा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज़्यादा जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि रूपा जी ने बताया, एग्री कॉमोडिटी में कैस्टर सीड में आके आप बिकवाली करके चल सकते हैं, आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तो ओवरऑल बता दें कि एग्री कॉमोडिटीज़ में आज सारी कॉमोडिटीज़ ऐसी रही जिनमें लगभग गिरावट देखने को मिली है, लेकिन आगे और ऐसी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। सिलसिला बाजारों का अभी बस इतना ही, शुक्रिया। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।